नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को आज रॉयंस एवन कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले सीबीआई उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाएगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आप आज दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन करेगी। वहीं इसके विरोध में आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आपके विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने अभी तक 50 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पठान ने कहा कि हम देशव्यापी स्तर पर सोमवार को प्रदर्शन करेंगे। संदीप पठान ने ट्वीट किया कि देश के लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले महान शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर बताया कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और अडानी से यारी के विरोध में आज पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय पर दोपहर 12 बजे होगा विरोध प्रदर्शन। वहीं आपके मंत्री गोपाल राय का कहना है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को आम आदमी पार्टी काला दिवस मना रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रविवार रात गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का माहौल गर्मा गया है। इसे देखते हुए दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को सीबीआई मुख्यालय के आसपास तैनात किया गया। विशेष पुलिस आयुक्त ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली है। वहीं थाना अध्यक्षों समेत थाना पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आज मनीष सिसोदिया को रॉयंस एवेंज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। इस मामले में डिप्टी सीएम से डिटेल जानकारी हासिल करने के लिए सीबीआई अदालत से 14 दिन के लिए रिमांड पर लेने की मांग कर सकती है। उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, कि उसका बच्चा भी बड़ा हो के उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया।